जोर से बोलो शहदाए करबला जिंदा। और ऐसे जिंदा के हमारे दिलों में जिंदा, हमारी धड़कनों में जिंदा, हमारे घरों में जिंदा, चारों तरफ जिंदा। जिधर देखो माशाल्लाह उनका चर्चा होता है। आप जैतोली देख लो, शकरगढ़ी देख लो, बड़ा हसनपुर देख लो, छोटा हसनपुर देख लो, शहर संभल देख लो, मुजाफात देख लो, मियाँ पूरा भारत देख लो, पूरी दुनिया देख लो। जहाँ जहाँ भी नबी के गुलाम पाए जाते हैं वहाँ नारे हसन हुसैन के जरूर लगाए जाते हैं। ऐसे जिंदा हुए, ऐसे जिंदा हुए। देखो ये बच्चे बैठे, हालांकि इनको अभी तुमने सिखाया नहीं होगा, इन बच्चों में से अगर मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करूं, उससे मैं अगर नारा पूछूं, बेटे बता हुसैन को जानता है कि नहीं? वो बच्चा जिसको तुमने बताया भी नहीं, सिखाया भी नहीं, वो जरा सा बच्चा हुसैन के नाम पर झूम के नारा लगाएगा या हुसैन। देखो ये लगा बेटे, खड़े होके लगा, खड़ा हो जा। अरे शर्मा क्यों रहा है, खड़ा हो जा बेटे, जल्दी 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 से खड़ा हो जा। जरा उधर मुंह करके के जोर से बोल, जरा क्या बोलेगा, या जोर से या। देखो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जरा से बच्चे, इनके दिलों में ये मोहब्बत डाली किसने? आए लोगों, आप जमीन की बात ना करें, आप आसमान की बात ना करें, आप पूरी कायनात की बात करें, हर चीज मेरे इमाम से मोहब्बत करती है, इमाम पाक से सब मोहब्बत करते हैं। लोगों अल्लाहु अकबर, मोहब्बत क्यों ना करें? कुरान ने कहा वो जिंदा। आए लोगों उनकी अजमतों का क्या ठिकाना, जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले है, जमी फलक माहो अख्तर हुसैन वाले है, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, बेशक कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं, हमारे जिस्म पे सर भी हुसैन वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। आजकल के हालात देख के ये कुछ परेशानियां जिंदगी में आए, घबराया मत करो, परेशानियों पर सब्र कैसे किया जाता है ये फातिमा के शहजादों ने सिखाया है। कारी साहब, करबला की दास्तान का ना एक पहलू ये है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, ये सीखना हो तो करबला की दास्तान से सीखो। भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है? आज सगा भाई सगे भाई को रत्ती बराबर जगह देने तैयार नहीं है, इंच के बराबर झगड़े हो जाते हैं, ज्यादातर ऐसे होता है, इल्ला माशाल्लाह। मगर करबला में देखो आप, सगा भाई तो कोई इमाम का नहीं है, बाप शरीक भाई है, जिसको हम और आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सोतेला भाई। और आपके सात या आठ भाई मैदान करबला में हैं, लेकिन आप मोहब्बत देखिए उनकी, कि अपनी जानों के नजराने देने के लिए अपने भाई के साथ आ गए, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? भाई से मोहब्बत कैसी हो? ओ यार, वो भाई जो बचपन में कहता था मेरा भाई, छोटा भाई बड़े भाई पे फख्र करता था, और बड़ा भाई अपने छोटे भाई के लिए दुनिया की हर ताकत से लड़ जाता था, मगर बाद में रिश्तों में ऐसी दरार क्यों पैदा हो जाती है, ऐसी खटास क्यों पैदा हो जाती है कि एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन हो जाता है? आखिर ये होता क्यों है? इसकी वजह है मादियत, इसकी वजह है दौलत से अंधी मोहब्बत। ओ यार, भाइयों से रिश्ता कैसे निभाओ? एक भाई दूसरे भाई से किस तरह प्यार करे? आओ तुम करबला की दास्तान पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, रिश्तों में मोहब्बतों का रंग भरते जाओ। कैसा बताओ, बाप शरीक भाई है, बाज़ाब्ता इसको हजरत अब्बास अलमबरदार को तो लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको हर तरह की सहूलत देंगे, छोड़ दो हुसैन को, तुम्हारे सोतेले भाई ही तो हैं, सगे तो नहीं है। हजरत अब्बास अलमबरदार ने उस वक्त तारीखी जुमले कहे थे जो इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं, आज भी आबे जर से लिखे हुए हैं, पढ़ो, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते हैं, कैसी मोहब्बत करता है अब्बास अपने हुसैन से। आपने इरशाद फरमाया था, ए जालिमों, तुम ये कहते हो कि
मेरा सौतेला भाई है हुसैन, इसलिए मैं हुसैन को तकलीफ और मुसीबतों में छोड़ के तुम्हारी तरफ आ जाऊं, पानी के मशकीजों की तरफ आ जाऊं, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं, तुम्हारे तख्तो ताज की तरफ आ जाऊं, तुम्हारे चंचकों की तरफ आ जाऊं। फरमाया था आपने कि मेरी रगों में फातहे खैबर का खून है, और जालिमों कान के पर्दे खोल कर सुनो, हुसैन इब्ने अली को तुम कहते हो मेरा सौतेला भाई है, मेरी माँ ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी है, बल्कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि हुसैन तुम्हारा भाई बाद में है, तुम्हारा सरदार पहले है, तुम्हारा आका पहले है। मेरी माँ ने घुट्टी में पिलाया है मुझे हुसैन की मोहब्बत को। अरे मेरी माँ ने तो हुसैन इब्ने अली को औलाद के हिसाब से देखा ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद ये कहती थी, ए बेटा अब्बास, मैं भी हुसैन के दर की कनीज, मैं भी हुसैन की माँ हजरत फातिमा जहरा के दर की कनीज हूँ, और ए बेटा तू भी उनके दर का गुलाम है और हुसैन के दर का भी गुलाम है। ये होती है माओं की तरबियत। आज सगे भाई सगे भाइयों से दूर हो रहे हैं, रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। करबला के फलसफे को कारी साहब अगर समझा जाए, बहुत गहरा फलसफा है करबला का, हमें सीखने और समझने का मौका देता है करबला, पैगाम देता है, हिदायत देता है। मगर अफसोस के साथ कहूंगा भाई सुनो, चाहे थोड़ी देर बुरी लगे, हम लोग ना बाज रसूमात को समझते हैं कि हमने करबला का हक अदा कर दिया, सिर्फ बाज रसूमात हमने अदा कर दी और हम सोचते हैं करबला का हक अदा गया। करबला को गहराई से पढ़ो और देखो एक बहन अपने भाई से कैसा प्यार करती है, एक बहन अपने भाई के लिए अपने बच्चों को, अपने आनो मोहम्मद को, अपने भाई हुसैन की अजमतों पे कुर्बान कर देती है, सफर की तकलीफें बर्दाश्त करती है, मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़े जाते हैं बहन पर, वो कौन सा दुनिया का सितम है जो जैनब पे न टूटा हो। मगर जैनब ने अपने भाई हुसैन के साथ मोहब्बत का वो हक अदा किया कि तारीख इंसानियत में आपको बमुश्किल ऐसी मिसालें मिलेंगी। अल्लाह अकबर, हजरत जैनब की वफा देखो और दूसरी तरफ भाई हुसैन की वफा देखो जैनब के साथ। एक मौके पर ये बात आई थी, हजरत सैयदा जैनब ने कहा था, बड़ी खुश नसीब हूं भैया, अल्लाह ने वो नाना दिया जो नबियों का सरदार है, वो माँ दी जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो बाप दिया जो विलायत का ताजदार है, फातह खैबर है, और वो भाई दिया जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। कितनी खुश नसीब हूं मेरे भैया, मुझे तुम जैसा भाई मिला, हसन जैसा भाई मिला। उस वक्त इमाम आली मकाम ने पेशानी को चूमा, बाकी जुमले वही दोहराए जो बहन ने कहे। उसके बाद कहा, ए मेरी बहन, क्या मैं खुश नसीब नहीं हूं कि मुझे जैनब जैसी बहन अल्लाह ने अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हमारी माएँ बहनें भी काफ़ी तादाद में हैं, इनसे कहूँगा कि सैयदा जैनब से सीख लो। मुहर्रम के दिनों में शब आशूर में क्रीम पाउडर लगा के सज धज के बाजारों की जीनत बनना, रोडों पे घूमना, अरे ये और दिनों में भी ना करो, सिंगार आया है शौहर के लिए। ये क्या बात हुई कि आप फंक्शन में श्रृंगार करके जाएं और शौहर के सामने आप उन्हीं मैले कुचेले कपड़ों में रहें। ये क्या बात हुई कि शौहर के जज्बात का, शौहर के ख्यालात का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। ऐ मेरी कौम की बेटियों, कनीजाने फातिमा जहरा बनो, कनीजाने सैयदा जैनब बनो, कनीजाने सैयदा आयशा सिद्दीका बनो, कनीजाने हजरत खदीजतुल कुबरा बनो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुमने सही माना में हजरत जैनब की मोहब्बत का हक अदा कर दिया तो तुम्हारी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो औनो मोहम्मद की मोहब्बत का जाम पिए हुए होंगे। अगर तुमने हजरत फातिमा जहरा की मोहब्बत का हक अदा किया, उनकी सीरत पे चली, उनके रास्ते पर चली, उनके बताए हुए और उनके दिए हुए खतूत पर तुमने अपनी जिंदगी को साचा और उनके दी हुई मोहब्बत के साचे में अपनी जिंदगी को साच लिया, तो रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चे और
तुम्हारी गोद में परवरिश परवरिश पाने वाले बच्चे अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में तारीख रकम कर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया को नहीं मिलता अगर उसकी माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा ना होती। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह क्या बात है। दुनिया को गौसे आज़म नहीं मिलता अगर उनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा ज़हरा के दर की सच्ची कनीज़ ना होती और उनके रास्ते पर न चली होती। ये जो माओ की तरबियत का रिजल्ट आता है ये रिजल्ट वो होता है जो सिर्फ एक महल्ले को नहीं, एक बस्ती को नहीं, एक जिले को नहीं बल्कि पूरे एक अहद को मुतासिर कर देता है। और मैंने एक अहद समझाने के लिए कहा है वरना तो माओ की तरबियत का रिजल्ट ये आता है कि मुजद्दिद अल्फसानी को देखो आज तक उनका असर बाकी है। 811 या 12 साल हो गए गरीब नवाज को, माँ की तरबियत ने ऐसा सवारा सींचा था अपने हसन संजरी को। 811 साल हो गए मगर आज भी भारत में कहीं पर चले जाओ तुम्हें गरीब नवाज की मोहब्बत के परचम लहराते हुए नजर आ जाएंगे। ये किसकी तरबियत का असर था? इसलिए मैंने कारी साहब इस जुमले पे खास तौर पे जोर दिया है कि ऐ बहनों तुम्हें कनीजाने फातिमा जहरा बनना होगा, उससे पहले इस नस्ल में बदलाव आने वाला नहीं है। बेशक हक है, हक है। क्या कहने भाई मौलाना शाने आलम साहब, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि हमारी कौम की बेटियां माएं बहनें शरीयत का रास्ता छोड़कर वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपनाएं, मॉडर्न कल्चर। अरे भैया देखो सुनो, कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं इसलिए वो नुमाइश के तौर पे नाचने गाने वालों को हायर करते हैं, उनको मोटी मोटी रकम देते हैं और उनके जरिए से बेपर्दगी का एड कराते हैं और वो बेपर्दगी का एड मोबाइल के जरिए टेलीविजन के जरिए बहनों के और हमारी कौम की बेटियों के दिमाग में बिठाया जाता है और फिर उसके जरिए से इस तरह की चीज़ें लिबास की शक्ल में हो या दीगर शक्ल में हो खरीदी जाती हैं। उनका माल बिकता है, तुम्हारा दीन बिक रहा है। उनके माल को खरीदने के लिए आपने अपने हया को बेच दिया, आपने अपने तकद्दस को बेच दिया। इसलिए मैंने ये जुमला कहा था, ऐ कौम की बेटियों तुमसे भी कहा है मैंने जो कहना था और ऐ जवानों मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि सिर्फ चंद रसूमात का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत तो 24 घंटे अपनाओ तब जाकर के सही माना में हुसैनी बनोगे। और हुसैनियत का सबसे बड़ा पैगाम यह है करबला का कारी साहब, सबसे बड़ा पैगाम हजरत कारी अब्दुल वहाब साहब, अगर करबला का है तो वो ये है गर्दन कट जाए गवारा कर लो मगर सजदा छूट जाए ये गवारा ना करो। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि कहीं पर भी हो जहन सलामत है ना तो नमाज फर्ज है। खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, पानी नहीं है तयम्मुम करके पढ़ो। हम पढ़ते थे किताबों में फिकह की किताबों में जो हमारे हमारे जो दरस निज़ामी में जो हमारा सिलेबस है उसमें जब हम किताबें पढ़ते थे नूरुल इज़ा वगैरह कुदूरी है या हिदाया वगैरह तो उसमें ये बात आती थी मुसाफिर की नमाज का बयान, मुकीम की नमाज का बयान, मरीज की नमाज का बयान, जंग में हो तो उस वक़्त की नमाज का बयान, आप वजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम का बयान। या अल्लाह ये इतने बयान क्यों आ रहे हैं? बताया जा रहा है मुकीम हो तो ऐसे नमाज पढ़ो, मुसाफिर हो कसर करके नमाज पढ़ो, बीमार हो खड़े नहीं हो सकते ना तो बैठ के नमाज पढ़ो, अच्छा बैठ भी नहीं सकते चलो ठीक है लेट के इशारों से नमाज पढ़ो, अच्छा पानी पानी इस्तेमाल करने को डॉक्टर ने मना कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है मिट्टी से तयम्मुम कर लो, अच्छा मिट्टी भी नहीं है तो बाकी जो मतलब मिट्टी की जींस हैं जो पाक हैं उससे तयम्मुम कर लो। या अल्लाह नमाज की इतनी अहमियत है कि किसी सूरत में ये माफी नहीं है तो नारा हुसैन का लगाए और ऐसी मस्जिद में लगी हुई है फिर भी मस्जिद में न जाए और कारी यूसुफ रजा या मौलाना तौसीफ रजा या आपकी मस्जिद के इमाम तुम्हें खींच के मस्जिद में लाए तो तुम इनकी बात ना मानो और फिर ये कहो कि हम हुसैनी हैं। बेशक हुसैनी हो इससे इनकार नहीं किया है मैंने मगर हुसैनियत का हक अदा तब होगा जब पंज वक्ता नमाज अदा की जाएगी, जब अपनी पेशानी खुदा की बारगाह
हमें झुकाई जाएगी, तब नमाज का हक अदा होगा। अरे हुसैन को तो देख, मैंने कौम की बेटियों से भी जो कहना था कह दिया, अब जवानों तुमसे कह रहा हूँ, हुसैन को तो देख, जख्मों पे जख्म लगे हैं, बदन से खून रस रहा है, बह रहा है, मगर फातिमा का बेटा सजदा तो नहीं छोड़ रहा। बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो, सजदा तो नहीं छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे तुमसे एसी में सजदे नहीं किए जाते, कूलर लगे हुए हैं सजदे नहीं किए जाते, पंखे लगे हुए हैं मस्जिद में सजदे नहीं किए जाते, बेहतरीन पानी की व्यवस्था है, हाथ के हाथ आप समरसेबिल चलाइए, ताजा पानी लीजिए और वुजू कीजिए, सीधा जाकर के नमाज पढ़िए, फिर भी तुम्हारी पेशानी में सजदे की तड़प पैदा नहीं होती। मगर एक ये सजदा है, अल्लाह अकबर के तलवारों की झनकार में अदा किया जा रहा है, नेजों की बौछार में अदा किया जा रहा है, यजीदियों की यलगार में अदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, शायर ने कहा था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा की जाती है तलवारों के। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब, सुभान अल्लाह। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन, या दिल पे अगर बात लग रही हो, चेहरे से आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लग रहा है कि जुमले आप तक पहुंच रहे हैं, अल्लाह करे ये असर अंदाज हो जाए, तो जरा झूम के मेरे साथ आप भी पढ़िए, और पढ़िए भी और अमल करने की नीयत भी कीजिए। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया या हुसैन ने, ये दश्त कर्बला से अभी आती है सदा। पढ़े जरा जोर से, हैया सला, हाथ उठा के पढ़ दे एक मरतबा, हैया सला दी, हैया सला दी, हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा। पढ़े मेरे साथ तमामी हजरा झूम के, हैया हल सलाती, हैया हल सला, अल्लाह अल्लाह। अपने आप को पंच वक्ता नमाजी बनाओ, कौम की बहनों तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी नमाज पढ़ा करो। और ऐ लोगों, मैंने तुम्हें भाई बहनों की मोहब्बत करबला के चैप्टर से दिखाई, और मैंने तुम्हें भाई भाइयों की मोहब्बत करबला के चैप्टर से दिखाई। करबला का सबक हमें ये भी बताता है, एक दोस्त अपने दोस्त के लिए जान का नजराना कैसे पेश करता, वो भी करबला से सीखो। ज़हीर इब्ने क़य्यिम को देखो, हबीब बिन मुज़ाहिर को देखो, मुस्लिम इब्ने औसजा को देखो, आपके जानिसारों को देखो। इमाम ने उनसे कहा था कि आप मेरा साथ छोड़ के चले जाओ, इनका झगड़ा मेरे साथ है, तुम चले जाओ। मगर आपके चाहने वालों ने जो जवाब दिया था, वो भी तारीख करबला में लिखा हुआ है। आपके चाहने वालों ने कहा था, इमाम चले गए तब भी बचे नहीं मौत से, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, जब मौत आना होगी तो आ जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन चले गए तो बुजदिल कहलाएंगे, दगाबाज कहलाएंगे, छोड़ने वाला कहलाएंगे। और कल को आपकी अजमतों पे कुर्बान हो गए तो कयामत तक वफादार कहलाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। और ऐ लोगों देखो, एमरजेंसी सिचुएशन, जुमला समझिए आप, कुछ जो वक्त होता है ना, ऐसा होता है कि उस वक्त स्टेप लेना और क्या कदम उठाना है, ये बहुत पूरी जिंदगी इस पर टिकी हुई होती है, आखरत और दुनिया दोनों। ये भी सीखना हो तो करबला से सीख लो आप, इसलिए कि हुर अब तक यजीद की तरफ थे, और वो पूरी उसी को जो उधर से गाइड होता था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो यजीद का गवर्नर था, उधर से जो
ऑर्डर मिलता था उसी को फॉलो करते थे, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते थे। मगर हाँ ये जरूर था ऑर्डर उसका फॉलो कर रहे थे मगर दिल इमाम हुसैन का था, दिल में मोहब्बत मेरे इमाम की थी, ये बात थी। और उसका रिजल्ट पता क्या निकला, मोहब्बत जाए नहीं जाती है। जब जंग का नक्कारा बजा और जंग का ऐलान हुआ तो उस वक्त हजरत हुर ने क्या जबरदस्त स्टेप लिया और आपने कहा है जालिमो यजीदियो, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम बातचीत से मामला सुलझा लोगे और फातिमा के लाल ने तो हर तरह की सूरत हाल तुम्हारे सामने रख दी, मामला निपटाने के लिए वो अमन के दाई हैं, वो पैगंबरे इंसानियत के नवासे हैं, रुए जमीन से आज की तारीख में, रुए जमीन पर आज की तारीख में उनसे बढ़ के कोई नहीं है, आज की तारीख में नबी का नवासा अगर कोई है रुए जमीन पर तो वो तने तनहा हुसैन इब्ने अली है। मैं ये समझ रहा था तुम इनकी बात मान जाओगे और उन्होंने हल्का रास्ता भी दिखा दिया तुम्हें मगर फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो अब सुनो तुम्हें जंग ही करना है तो अब सुनो, मैं तुम्हारा लश्कर छोड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उधर शहादत है मगर फिर भी मुस्कुराता हुआ शहादत को अपना रहा, घोड़े को एड़ लगाई और पहुंच गए आप इस तरफ से उस तरफ। किस तरह से देखो जहन्नम से निकले हैं जन्नत वाले, सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कारी साहब यहाँ एक जुमला और कहूंगा, जरा तवज्जो से सुनना भैया आप लोग। दो तरह के लोग हैं इस वक्त दुनिया में, कुछ यजीदियों को बचाते हैं, बिल्कुल गलत, यजीदी मुजरिम थे हैं और रहेंगे। क्या जुमला बोला मैंने, यजीदी मुजरिम थे हैं और रहेंगे। कुछ वो हैं जो कूफा के शियों को बचाते हैं जिन्होंने खतूत लिख करके बुलाया, वो भी गलत, इसलिए कि जब आपने बुलाया तो साथ क्यों नहीं दिया। नहीं आई मेरी बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। और इनमें के तारीख तबरी में लिखा हुआ है, तारीख तबरी का लोग बड़ा हवाला देते हैं मगर बात यह है कि सब अपने अपने मतलब की मानते हैं और हम तवारीख के मामले में ये कहते हैं कि वो मानो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। इसी तारीख तबरी में है कि 13 लोग, कितने लोग बताए मैंने, और रिवायत में ज्यादा हो सकते हैं, 13 अफराद वो जिन्होंने खतूत लिखे थे इमाम को, वो 13 अफराद जा करके यजीदी फौज में शामिल हो गए थे। जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था तो उनका नाम ले लेकर के उनको आवाज दी थी और कहा था बताओ क्या तुमने ए शबस बिन रिबी, क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था, बता ए शबस बिन रिबी क्या तूने मुझे खत नहीं लिखा था, और भी नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे, क्या आपने नाम ले ले करके उनको आवाज दी और वो सब के सब, देखिए इनकी मक्कारी देखो कि बुलाया खुद ने है और हालात जैसे बदले तो उन्हीं में जाकर के शामिल हो गए। बात तो जब थी जब तुम हजरत हुर की तरह फैसला लेते, अरे जान तो जाती, जान तो बाद में भी गई मगर नाम तुम्हारा वफादारों में लिखा जाता। इसलिए जुमले को याद रखना, ये जो सीना पीटा जाता है, छुड़ियां मारी जाती हैं और चेहरों पे थप्पड़ मारे जाते हैं, मेरे पास शिया हजरात की किताबों के हवाला जात मौजूद हैं कि जब करबला का वाकया हो गया था उसके बाद कूफा के लोग जब बेपना रो रहे थे, अपने आप को मारपीट रहे थे, मातम कर यानी मारपीट रहे थे, सीने पीट रहे थे, उस इस तरह से जैसे आज जंजीरों से होता है, ऐसा तो उन लोगों ने नहीं किया था मगर इसकी तमहीद के तौर पे कुछ हिस्सा ऐसा था जो आज भी होता है। तो उस वक्त हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने और हजरत ज़ैनब ने ये जुमले कहे थे, जालिमो तुमने बुला करके धोखा दिया, तुम भी कम बड़े मुजरिम नहीं हो, इसी तरह से रोते रहोगे, इसी तरह से तुम पर अजाब आता रहेगा। यानी उनके जवाब का मफहूम ये है। और अब तो इनके इनके फिरके के भी एक बड़े आलिम ने उसकी उसकी क्लिप मेरे पास है, उसने ये बात कही है कि हाँ कूफा के शियों ने धोखा दिया, तो अब मुझे बताओ दोनों मुजरिम हैं कि नहीं, यजीदी भी मुजरिम। देखो ये होता, कितने ध्यान से सुन रहे माशाल्लाह, क्या कहा, दोनों यानी यजीदी भी मुजरिम और कूफा के, और हम इन दोनों को नहीं मानते और ये दोनों हम हुसैनियों को नहीं मानते, इसलिए कि हम ही सही माना में हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यजीदियों से भी नफरत है और बुलाकर धोखा देने वालों से भी नफरत है। बेशक 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 हक है, सुभान सुभान अल्लाह सुभान। और ये जुमला भी सुन लो, लिख के ले जाना, आजकल मीडिया का दौर है,
और सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे आके कुछ लोग हदीसों के हवाले बहुत देते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं और हमारे लोग भटकावे में आ जाते हैं। अरे वो तो ऐसे कह रहा था, हमारे इमाम साहब ने ये कहा। अरे वो तो मीडिया में ऐसे कह रहा था, सोशल मीडिया पे उसके तो बड़े फॉलोवर हैं, उसके तो बड़े व्यूअर हैं। तो ज्यादा फॉलोवर या ज्यादा व्यूअर होने से हक्का अगर तुम पता लगाओ तो फिर बोलो करबला में 72 किधर थे और 22,000 किधर थे, ये क्या बात हो गई। हक हक होता है, इमाम ने यही तो साबित किया है कि 72 भी अगर हक पर है तो 22,000 पर भारी है। हक हक होता है, तुम्हारा ईमान तुमसे जो कह रहा है वही सही है, इसलिए कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और सल्फ सालिहीन ने जो दीन की तशरीह की है उसकी रोशनी में कह रहा है। बेशक बेशक सुभान। सुनो, आपको पता है करबला में अब्बास अलमबरदार के अलावा हुसैन इब्ने अली के जो भाई शहीद हुए उनके नाम क्या हैं? पता है आप लोगों को? ये मैं हर जगह तकरीर में इसलिए बताता हूं कि अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। हमारे जलसों में ना हर खतीब को ये चीज बयान करना चाहिए ताकि दिमाग में बैठ जाए। और ये ऐसी बात है कि शियों ने तो बयान न करना थी, चूंकि उन्हें तो नामों से नफरत है, वो तो करते ही नहीं, चूंकि वहां मोहब्बत थोड़ी है, ढकोसलेबाजी है। लेकिन हमारे सुन्नियों ने भी बयान नहीं की, अफसोस की बात ये, तवज्जो नहीं है मैं कहना चाहता हूँ, मगर आप करो, वक्त की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन के जो करबला में 7 या 8 भाई शहीद हुए, किताब का हवाला नूरुल अबसार, इसके अलावा मुतअद्दिद कुतुब और अहले तशय्यो की किताबों के हवाला जात मेरे पास मौजूद है। हमारे भाई कारी यूसुफ रजा मेरे बारे में अल्हम्दुलिल्लाह कह चुके हैं, मैं अगरचे एक तालबे इल्म हूँ मगर अल्लाह के करम से जबान मुंह में बाजू में ताब रखता हूँ, तेरे सवाल का मैं भी जवाब रखता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कोई बात कमजोर ना हो, बहरहाल फिर भी इंसान हूँ, सबकत लिसानी में ये कभी आदमे तवज्जो ही में कुछ हो जाए, बहरहाल रुजू का दरवाजा है खुला हुआ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कमजोर बात ना हो। जो बता रहा हूँ ना, ये अहले सुन्नत तो मानते ही हैं, मगर शिया हजरात के जो माखज हैं, उनकी जो बुनियादी कुतुब हैं, जहां से तमाम शिया हजरात लेते हैं, उन किताबों में ये बात है मौजूद। नाम बताऊं मैं आपको? जोर से बोलो, बताऊं? जी हाँ, इसको लिख के ले जाना दिमाग में, डायरी में नोट कर लेना, और ये कैमरे लगे हुए हैं, इस हिस्से को अलग से बयान पहुंचाओ, सब तक दूर दूर तक पहुंचाओ भाई, इस हिस्से को जो मैं बयान कर रहा हूं। इमाम हुसैन के करबला में जो भाई शहीद हुए, एक का नाम अब्बास अलमबरदार, सबको याद है? अरे बोलो, हजरत अब्बास अलमबरदार का नाम सबको याद है? आपको पता है एक भाई मैदाने करबला में शहीद हुए, वो भी आपके साथ साथ थी, जैसे अब्बास अलमबरदार साथ नहीं छोड़ते थे, वो भी साथ नहीं छोड़ते थे, उनका नाम है अबू बकर बिन अली। सुना आज तक नाम आपने? नहीं सुना, लेकिन आज सुनो और दूसरों तक पहुंचो। और अफसोस की बात ये नहीं बताया जाता, वो किताबों में मौजूद है, छपा हुआ है मगर छिपा हुआ है। जी जी जी, हाँ, छपा हुआ है मगर अब जरूरत है जो छपा हुआ है वो छापा जाए। जरा जोर से, जोर से, क्या नाम बताया मैंने? अबू बकर। और एक भाई हैं जिनका नाम है उमर बिन अली। सुभान अल्लाह। एक भाई हैं शकील भाई, शकील भाई ना, जिनका नाम है उस्मान बिन अली। और भी भाई हैं जैसे जाफर इब्ने अली, मगर यहाँ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ इन तीन नामों पर, अबू बकर। जोर से बोलो ना यार, जैसे आप बोले माशाल्लाह, अबू बकर, आवाज आए, क्या नाम है? दूसरे का उमर, एक का उस्मान, और ये तीनों के तीनों मैदाने करबला में शहीद हो गए। बिठा लो दिमाग में, दास्ताने करबला बयान किया करो। मैं कोशिश करता हूँ, इंतजाम करता हूँ, जब भी करबला का बयान हो, माबादे करबला या माकबले करबला या मकसदे हुसैनियत, तो ये जुमला जरूर, ये हिस्सा जरूर लाता हूँ ताकि दिमागों में बैठ जाए सुन्नियत। हम अली वाले भी हैं और अली से जो मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करने वाले भी हैं।
चुगलखोरों की तरह। अरे कोई एक परिवार के आपसी कुछ मुशाजरात झगड़ों को चौक चौराहों पे बयान करे तो बाहर आके तमाचा मारेगा, छोटा भाई भी बड़ा भी। अबे घर में कोई बात हो गई तो छाप क्यों रहा है, जगह जगह जाके बताओ क्यों रहा है। सहाबा में आपस में कुछ शकर रंजी को अपना मसलक बनाने वालों बदबख्तो मुझे बताओ, अगर अली को मोहब्बत ना होती अबू बकर से तो अपने बेटे का नाम अबू बकर कैसे रख देते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जैसे मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू दुजाना रखा, चूंकि मुझे उनका तस्करा मैंने जब पढ़ा अहादीस की किताबों में तो मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने अपने एक बेटे का नाम अबू तुराब रखा। इनके वाली साहब हमारे साथ आए हैं, उन्होंने इनका नाम यूसुफ रजा रखा तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की निस्बत से रखा। जोर से बोलो, जरा जोर से। तो जिसका जो भी नाम होता कुछ ना कुछ तो वजह होती है, ऐसे तो कोई नहीं रख लेता। तो अबू बकर नाम अली ने रख के ये बता दिया, जालिमों अबू बकर के खिलाफ जबान खोलने से पहले ये भी देख लेना कि अली को अबू बकर कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान। अरे समझ आ रही है ना मेरी बात। और उमर कितना प्यारा है, तभी तो उमर नाम रखा, एक का उस्मान रखा, तीनों दोस्तों के नाम पे नाम रखा। इससे पता चला अली को इन तीनों से प्यार है, इन तीनों को अली से प्यार है, हम सुन्नियों को इन सब से प्यार है। समझ लो अपना बेड़ा। जोर से नहीं बोलोगे, अपना बेड़ा। कल को अगर कोई ये कह दे तुमसे कि साहब नाम रखने में क्या होता है, नाम रख लिया होगा चलो नाम में क्या होता है, तो भैया फिर अगर नाम रखने में कुछ नहीं होता है तो रख दो अपने बेटे का नाम शिमर। वैसे लफ्ज़ ये शमीर है भाई कारी साहब, हाँ लफ्ज़ शमीर है मगर शिमर बोला जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उर्फ़ आम में रखो। नाम रखने में अगर कुछ नहीं होता है तो भैया रख दो यजीद। नहीं आई बात समझ में, मगर यजीद अगर नाम रख दो तो 10 मुहर्रम को बाहर मत निकलियो। और वल्दियत भी ना निकले बाहर। सही है कि नहीं बात, समझ में आई बात। नाम रखने से बहुत कुछ होता है। अबे जिससे नफरत हो उसका नाम तो आदमी पड़ोसी में ना रखने दे, जिससे नफरत होती है। ए? जैसे यजीद से नफरत है पूरे गांव में नहीं रखने देंगे हम नाम। अबे यजीद को रह रहे थे कोई नाम नहीं मिला, और अली अबू बकर रख के बता रहे हैं कि मुझे अबू बकर कितना प्यारा है, उमर कितना प्यारा है, उस्मान कितना प्यारा है। और साथियों इस ये टॉपिक भी काफी दिलचस्प है, मैं बताता आपको कि सहाबे कराम के घरों में फातिमा नाम रखे जाते थे दीगर सहाबा, और अहले बैत अथार के घरों में बेटियों के नाम आयशा मिलते हैं। और ये ऐसा बदबख्त फिरका है, मैं कहता हूँ तुम कैसे लोग हो, कहते हो कुरान को तो हम मानते हैं, तो तुम्हें कुरान में ये आयत नजर नहीं आती, मेरा रब कहता है अन नबी औला बिल मुमिनीन من انفسهم وازواجه امهاتهم, मेरा नबी मोमिनों तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और ए मोमिनों, गाइब का सीगा है मगर समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मफहूम यही है, मोमिनों की माएं हैं नबी की बीवियां। क्या कहा मैंने, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ। तो हजरत आयशा क्या हो गई पूरी उम्मत की, जोर से बोलो क्या हो गई। हम तो मानते हैं उम्मुल मोमिनीन मानते हैं, हम तो हम ये कहते हैं या अल्लाह हमारी माओ की अजमत कुर्बान हो जाए हजरत आयशा सिद्दीका के कदमों पर, तमाम अजवाज मुताहरात जितनी भी हुजूर की अजवाज हैं सबके कदमों पर। कुरान कह रहा है मगर कुछ लोग वो हैं जो हजरत आयशा के नाम से उन्हें तकलीफ। अरे जालिमो तुम किधर चले गए हो, खुदा की कसम लेके कहता हूँ तुम भटक चुके हो, राह रास्त से दूर हो चुके हो। सच्चा रास्ता ये है कि अली का भी दामन थामो, उनकी आल औलाद का भी दामन थामो, और अजवाज मुतहरा से भी अकीदत रखो, दीगर सहाबे कराम से भी अकीदत रखो। ये सच्चा रास्ता है, और इस सच्चे रास्ते पर अगर कोई चल रहा है तो रब के करम से अहले सुन्नत चल रहे हैं। बेशक जोर से बोलो, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब जरा एक मरतबा एक नारा मैं लगा रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा, और फिर बहुत तेजी के साथ में कुछ हदीस है, फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, चूंकि मेरे बाद खिताब भी होना ना शरीफ भी होना, अब भैया और मुझे भी कहीं जाना है। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए।
माशाल्लाह कितने खुश हो रहे हैं। अब बाकी मेरे बाद हमारे कारी यूसुफ रजा साहब हैं, ये डबल काम कर देते हैं माशाल्लाह। यानी निजामत तो करते ही हैं मगर खिताबत का भी फरीजा अंजाम दे देते हैं। दिल की ठंडक आंखों का चैन, बोलो या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन, या हसन या हुसैन। माशाल्लाह देखो, अच्छा जैतोली में हम पहले आए थे तब भी ऐसा ही लोगों के चेहरों पे मोहब्बत का रंग भी था, ढंग भी था। आज आए हैं तब भी ऐसा ही है, मगर ये तीन चार लोग पता नहीं बॉर्डर क्यों संभाले हुए उधर। माशाल्लाह आ जाओ, आपने हाथ दिखा दिया और बता दिया कि इस मरतबा हाथ में बड़ी ताकत रही है। आ जाओ भाई बरकाती साहब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आ जाइए माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे हजरत मौलाना। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। आ जाओ भाई, अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जाय खैर अता फरमाए माशाल्लाह। तशरीफ रखिए, बहुत मुनासिब वक्त पे देखो ये होता है प्रोग्राम चलाने का तरीका। माशाल्लाह देखो 11:30 बज रहे हैं और एक तकरीर भी खत्म हो चुकी, खत्म हो ही चुकी है लगभग कमोबेश, और एक नातवा हमारे माशाल्लाह सुल्तानी साहब वो भी फारिग हो चुके हैं, और अब मेरे बाद फौरन एक नात, मेरे ख्याल से उसके बाद फौरन तकरीर प्रोग्राम का। आ जाओ कारी दानी साहब माशाल्लाह, और ये जो है इनका नाम मैं भूल गया यार, मेरी याददाश्त है, कारी जीशान अत्तारी साहब माशाल्लाह। जाओ जाओ, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जरा मचल के बोलो या हसन या हुसैन, जोर से बोलो या हसन या हुसैन, जोर से बोलो या हसन या हुसैन। मोहब्बत रखो और करबला के इस पैगाम को घर घर तक पहुंचा दो कि हम अगर भाई हैं तो दूसरे भाई से मोहब्बत का इजहार करें। ऐ मेरी बहनों, तुम बहन हो तो अपने भाइयों से मोहब्बत का इजहार करो। ऐ भाइयों, तुम अपनी बहनों से मोहब्बत का इजहार करो। तुम बाप हो, अपनी औलाद का हक अदा करो। औलाद हो, अपने बाप का हक अदा करो। और ये जुमला रह गया था जो मैं कहने जा रहा था, मगर बात बीच में दूसरी आ गई और दूसरी तरफ निकल गई। यूसुफ भाई, एक बीवी अपने शौहर के साथ किस तरह वफा करती है ये सीखना हो तो भी दास्ताने करवला पड़ी पड़ी पड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शहरबानो, वाह वाह, ये कौन है? यज़द गर्द की बेटी, बादशाह की बेटी है जी, बेशक बादशाह की बेटी। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जब वो उसका मुल्क मफ्तू हुआ और आप आई थी उस मौके पे, और भी खवातीन थी मदीने में, तो चूंकि बड़ी हसीना जमीला थी, सीरत का भी जवाब नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियों से नवाजा था। तो उस वक्त बहुत सारे सहाबा ने ये सोचा कि हम अपनी आर औलाद के रिश्ते भेजें, शहरबानों से हमारे बेटे का निकाह हो जाए। हजरत उमर के घर में भी यकीनन ये चर्चा हुई होगी कि अपने किसी शहजादे का निकाह कर दो इस शहजादी से। हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते हैं अली के बेटों से, शेर खुदा के बेटों से। आपने फरमाया ये शहजादी है शहजादी, इसका अगर निकाह होगा तो फिर शहजादे हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा, मौला अली शेर खुदा के बेटे के साथ होगा। और ऐसा ही हुआ। उस शहर बानों ने भी क्या वफा की है, अल्लाह मैदान करबला में साथ हैं, अल्लाह अकबर परेशानियों में साथ हैं। इससे एक सीख मिलती है कि ए औरतों, सिर्फ खुशियों में अपने शौहर के साथ न रहो, जिंदगी में कभी परेशानी पड़ जाए तो परेशानी में भी अपने शौहर के साथ रहो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर में कुछ खर्चे के लिए पैसों की प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके बेचारे की सैलरी नहीं मिली, आमदनी नहीं हुई, तो ये नहीं कि जब तक आमदनी अच्छी थी तब तक शौहर बहुत अच्छे थे, और किसी महीने सैलरी न मिली तो पता चला साजो सामान बांध के माहल वयाल के पहुँच जाओ अपने मैके में, और जा करके बुराइयाँ शुरू कर दो। ऐसा ना करो, खुशियों में साथ हो तो परेशानियों में भी साथ रहो। एक वफादार बीवी की ये निशानी होती है। अल्लाह अकबर, हदीस में आया है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो पाबंद सोमो सलात है, यानी जो शरीयत पर आमिला है, शरीयत की पाबंद है, और उसका शौहर उससे राजी है, इस हालत में वो फौत हुई है कि शौहर भी राजी है और नेक है, हुजूर फरमाते हैं जन्नत के तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये रुतबा अल्लाह ताला ने उस नेक बीवी को दिया है। तो ऐ बीवियों, शहर बानों
की कनीज बनो, हजरत सैयदा शहरबानो की कनीज बनो, उनसे सीखो कि शोहर के साथ वफा कैसे होती है, और ऐ शोहरो बीवियों के साथ कैसे वफा होती है, ये मौला अली शेर खुदा से सीखो, ये हुसैन इबन अली से सीखो, ये हमारे नबी से सीखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।